हाय गाइस, बिगम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अपने आधार कार्ड में कोई चेंजेस कराया है, जैसे नाम में चेंजेस कराया है, डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस कराया है, या फिर एड्रेस में चेंजेस कराया है, या फिर आपने अभी नया आधार कार्ड अप्लाई किया है और आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका नया आधार कार्ड ऑनलाइन अपलोड हो गया है या नहीं हुआ है, या फिर जो आपने चेंजेस कराए हैं अपने आधार कार्ड में वो चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो वो सब इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से या फिर अपने कंप्यूटर पीसी की मदद से कैसे आप चेक कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और चेक कर लेते हैं कि जो हमने अपने आधार कार्ड में अपडेट कराए हैं वो अपडेट अभी हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में एक स्लिप है। जब भी आप आधार कार्ड नया अप्लाई करते हैं या फिर आधार कार्ड में कोई चेंजेस कराते हैं तो आपको एक एनरोलमेंट स्लिप मिलती है जो इस तरह की होती है, ठीक है। तो इस एनरोलमेंट स्लिप में यहाँ पे एक नंबर होता है जो मैंने यहाँ से अभी देखिए सिक्योरिटी के कारण यहाँ पर हटा दिया है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपका डेट एंड टाइम, जिस डेट एंड टाइम में आपने ये चेंजेस कराए हैं, आपका नाम, सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं, आपका यहाँ पर फोटो होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अपडेट कराए लगभग 5 से 7 दिन, 10-12 दिन हो गए हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे वो समझ लीजिए। ध्यान ये रखना है कि अगर आपने नया आधार कार्ड बनवाया है या फिर आधार कार्ड में कोई चेंजेस कराए हैं, दोनों ही कंडीशन में इस स्लिप का होना जरूरी है। आपके पास में ये एनरोलमेंट स्लिप होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आपने आधार कार्ड में कोई चेंजेस कराए हैं लेकिन आपसे ये स्लिप खो गई है, तो आप आधार कार्ड नंबर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना आधार कार्ड को और आप देख सकते हैं कि जो चेंजेस आपने कराए हैं वो चेंजेस हो गए हैं या नहीं हुए हैं। चलिए अब सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे गूगल में आपको लिखना है UIDAI, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ UIDAI और एंटर करता हूँ। तो सबसे पहला जो फर्स्ट लिंक होगा ऑफिशियल वेबसाइट का, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे एक टैब है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक आधार अपडेट स्टेटस, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए या फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए, आपको यहाँ पे भी ये रहा चेक आधार अपडेट स्टेटस, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक नया पोर्टल, जो अभी UIDAI ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया था खास कस्टमर्स के लिए, तो यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपना एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे डालनी होती है। देखिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी बताई भी गई है, तो आपको स्लिप में देख करके एनरोलमेंट आईडी और टाइम और डेट ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप करनी होती है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे स्लिप देखिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए एक बात का, यहाँ पे ये एक यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट और यहाँ पे टाइम होता है। आपको पहले जो ये एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे दी गई है बिना स्लैश के, कभी आप स्लैश के साथ में इनपुट करें, जो बीच बीच में स्लैश दिए होते हैं इस तरह के, तो उनको इनपुट नहीं करना है, उनको हटा करके तब इनपुट करना है। इसी तरह जब आप डेट को फिलअप करेंगे, डेट का एक बात का ध्यान रखना है आपको, जैसे मान लीजिए 27/7 और ईयर है 2022, तो आपको 27/07/2022 नहीं लिखना है बल्कि 2022/07/27 इस तरह से लिखना है। अगर आप 27/07/2022 लिखेंगे तो इस तरह से आपका स्टेटस चेक नहीं होगा और टेम्परेरी एरर शो करेगा, ठीक है। अभी ये काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है सभी को, तो सबसे पहले ये नंबर बिना स्लैश के, उसके बाद 27/07/2022 नहीं बल्कि 2022/07/27 ऐसा लिखना है, और उसके बाद जो भी टाइम दिया है, मान लीजिए 12:50 और 10 सेकेंड ऐसा दिया है, तो बीच में जो कोलन लगे होते हैं उनको नहीं लिखना, 12:50/27 ऐसा लिखना है, ठीक है। और चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक एनरोलमेंट आईडी इनपुट करूँगा और उसके बाद यहाँ एंटर कैप्चा में, ये वाला जो कैप्चा दिया गया है सेम एज इट इज़, अगर कोई कैरेक्टर कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल में लिखना है और स्मॉल में तो आपको यहाँ पे स्मॉल में लिखना है। और अगर ये कैप्चा आपको समझ में ना आए तो यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। जब आपको ये प्रॉपरली समझ में आए तब इसको इनपुट कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या स्टेटस होगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे डाल दी है और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे देखिए इस डेट को कुछ इस तरह से डाला है। आपको भी इसी तरह डालना है, पहले ईयर, फिर मंथ और फिर उसके बाद में डेट डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है।
ये देखिए फ्रेंड, जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चर फिलअप से ही करेंगे तो नीचे की तरफ आप एक स्टेटस देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज, तो ये हो गई वैलिडेशन स्टेज, ये हो गई और कंप्लीटेड ये हो गई। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड वाइल योर आधार बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू, प्लीज़ डाउनलोड ई आधार फ्रॉम ये। तो देखिए अभी जो सबसे पहले क्या होता है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बाद वैलिडेशन मतलब उसकी चेकिंग की जाती है, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन सबकी चेकिंग। अगर आपकी रिक्वेस्ट उसके बाद में आपने जो भी अपडेट कराए हैं वो अपडेट हो जाते हैं, किसी भी कारण से अगर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती है तो यहाँ पे आपको रीजन बताएगा कि योर रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड ड्यू टू एनी रीजन, है ना। तो कोई भी रीजन यहाँ पे दिखाया जाएगा, अभी कोई भी रीजन यहाँ पे नहीं है, मतलब ये जो चेंजेस हमने आधार कार्ड में कराए हैं वो सब चेंजेस हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इजीली अपने आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो आपने आधार कार्ड में अपडेट कराए हैं वो आधार में अपडेट हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाला हर एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।